विधानसभा सामान्य निर्वाचन के नामांकन के लिए 4 फरवरी से 16 फरवरी तक कलेक्ट्रेट कचहरी तक जाने वाले वाहनों को डायवर्जन किया गया, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह ने बताया कि 4 फरवरी से 16 फरवरी तक सुबह 9 बजे से 3 बजे तक टाउन हॉल तिराहा से कचहरी चौराहे की तरफ आने वाले वाहन तमकुही तिराहा होकर अपने गंतव्य की ओर जाएंगे तथा तमकुही तिराहा से कचहरी चौराहे की तरफ सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। उस तरफ जाने वाले वाहन हरिओम नगर अंबेडकर चौराहा होकर अपने गंतव्य की ओर जाएंगे तथा कचहरी चौराहा से शास्त्री चौराहा की तरफ जाने वाले समस्त प्रकार के वाहन कचहरी चौराहे से बाएं तमकुही एवं दाएं टाउन हॉल होकर अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। उन्होंने कहा कि शास्त्री चौराहे से अंबेडकर चौराहे की तरफ जाने वाले वाहन प्रतिबंधित रहेंगे और यह सभी वाहन शास्त्री चौराहे से जमुना लाल बजाज पार्क तिराहा से एडीजी तिराहा होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे और अंबेडकर चौराहे से शास्त्री चौराहे की तरफ वाहनों का आवागमन सुचारू रूप से चलता रहेगा तथा कलेक्ट्रेट कचहरी में जाने वाले अधिवक्ता आवादकारी गेट नंबर 3 से प्रवेश करेंगे। एसपी ट्रैफिक ने बताया कि प्रत्याशियों के वाहन की पार्किंग टाउन हॉल के मैदान के बगल में नगर निगम पार्किंग मैदान में एवं शास्त्री चौराहे के बगल स्थित सेंट्रल ड्यूज डिग्री कॉलेज के सामने खाली मैदान तथा मल्टी लेवल पार्किंग गोलघर में पार्किंग कराई जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह ने कहा, नामांकन के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है, हमारी फोर्स पूरी मुस्तैद रहेगी और जो भारत निर्वाचन आयोग के जो निर्देश हैं उसी के क्रम में कलेक्ट्रेट यानी कि नामांकन स्थल के नज़दीक जो गाड़ियां दो आनी हैं उन्हीं दो गाड़ियों के लिए अनुमन किया गया है, उतनी ही गाड़ियां आएंगी और जुलूस की शक्ल में अनुरोध है कि कोई भी अपना लेकर नहीं आएंगे और संपूर्ण ट्रैफिक हमने इधर कचहरी चौराहा और शास्त्री चौराहा पे जो है रोक दिया गया है। ये जो है पूर्णतः जो है इस पे यातायात बंद रहेगा, आम नागरिक जो है दूसरे रास्तों से होके निकलेंगे उसकी व्यवस्था हमने कर ली है। 100 मीटर के दायरे में प्रतिबंधित है वाहनों का प्रवेश।